بسم الله الرحمن الرحيم نظام ٹوڈن کا پارٹ یہ جو سمجھی گاڑیا جی پیوٹ کا سستی سن بڑی نیو ماڈل ہے جی یہ استاد میر صاحب کی ذاتی گاڑی ہے جی یہ ہماری بچاپ کے قریب ایک کھیت ہے جی جس میں عدالت میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس جگہ پہ چیک کرتے ہیں گاڑی کو थोड़ी साथ हाल पे परफॉर्मेंस भी चेक करें जी गाड़ी न्यू मॉडल की ये इनकी ज़ाती गाड़ी है इसीलिए बड़ी एहतियात से चला रहे हैं हाल है जी कुप्पे वाली फ्रेम डबल है इसका सफाई बिल्कुल नहीं है उस्ताद साहब काफ़ी एहतियात भी कर रहे हैं जी क्योंकि गाड़ी जो जाती है हो या मैसी हो अगर मालिक के पास हो खुद मालिक ड्राइव कर रहा हो तो मैंने कोई ऐसी गाड़ी नहीं देखी है जो ज़ाया हो जाए इसकी शो में थोड़ी बहुत खराशें हैं बताया पेटी वाइज इस तरह पता चलता है कि बिल्कुल फ्रेश मॉडल में से है गाड़ी के अगर कोई ड्रालक में मसला हो तो फिर हमारी वर्षा वाले जो उस्ताद हैं गाड़ी यहाँ लेकर आ जाते हैं तसल्ली से चेक करते हैं फिर बस मालिक के हवाले कर देते हैं क्योंकि दूर दराज के लोग भी आते हैं वर्कशॉपों में तो जब वो वापस जाएं तो हल ना काम करे एडजस्टिंग अच्छी ना हो तो फिर मसला बन जाता है ड्राइवर हजरात भी कम पड़ जाते हैं मिस्त्री हजरात के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक गाड़ी का काम मुकम्मल ना हो तो आदमी दूसरी गाड़ी काम के लिए नहीं ले सकता तो इसीलिए उनको एक को मुकम्मल करना पड़ता है वर्कशॉप की तरतीब ही यही होनी चाहिए कि पहले एक गाड़ी मुकम्मल करें उसके बाद दूसरी का काम करें ये मुकम्मल हो गई है जी आपने चेक की है इसके बाद से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी अल्लाह हाफिज़ गाड़ी वर्कशॉप में वापस जा रही है जी ये उस्ताद नवीद साहब ने तसल्ली कर ली है वर्कशॉप है जी बडली मेन रोड पर इनकी फ्लोर मिल के बिल्कुल करीब उस्ताद मुस्तफ़ा वर्कशॉप इसी बात से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी अल्लाह हाफिज़